कैप्टन कपिल कुंडू जिस स्कूल में पढ़े उस स्कूल के बच्चों ने कैप्टन को श्रद्धांजलि दी और उनकी यादें न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ शेयर की। कैप्टन कपिल कुंडू के स्कूल के बच्चे सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जाने हैं। कुछ बच्चियां हैं हमारे साथ में, आप लोग गई थी उनके पास देखने? नहीं, हम लोग हमारे स्कूल का विद्यार्थी था, एलकेजी से शुरू से ही हमारे स्कूल में पढ़ा है वो, और उसके ही परचनों से पहले से ही हमें लगता था कुछ ना कुछ हो जरूर बनेगा। और जिस तरीके से इतना इंस्पिरेशन हमें उससे मिला है, बच्चों से मिलने आता था जब भी छुट्टी करके आता था, तो वो हरदम यही कहता था कि हमें देश के लिए लड़ना है और देश के लिए ही शहीद होंगे। हमारे स्कूल के लिए बहुत गर्व की बात है कि भी उसने जो हमारे स्कूल का नाम बहुत ऊंचा किया। हमें दुख है लेकिन फिर भी हम उससे इंस्पायर होकर ये ही करते हैं, हर बच्चा ये कहेगा कि भी हम आज भी जो है देश के लिए लड़ेंगे और हम भी कैडेट बनेंगे। कपिल भैया की क्या कौन सी बात, मिलते थे आप लोगों से? हाँ, वो जब भी हमारे स्कूल में आते थे हमेशा हमारे क्लास में आते थे 2-3 आवर्स के लिए। क्या कुछ बताते होंगे वो? हाँ, वो हमारे सबके रोल मॉडल रहे, वो हमेशा ही इतनी इंस्पिरेशन बातें करते थे कि सबको यही लगे कि हम लोग भी बड़े होके सिर्फ उनके जैसा बने। कौन सी बातें आपको खलता है कि अब वो नहीं रहे? उनकी हर बातें, वो जब वहाँ रहते थे अपने, जहाँ उनकी पोस्टिंग आई थी वहाँ की बातें भी हमसे शेयर करते थे, अपनी बातें भी हमें बताया करते थे, हमें कहा करते थे कि तुम्हें भी मेरे जैसा बनना है, हम अपना एम अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी है। हमारे साथ मस्ती भी किया करते थे, हमें पढ़ाई की बातें भी बताया करते थे। हम बस यही कहना चाहते हैं कि जब भी उसने हमें इंस्पायर किया, बस एक बात कहता था, या तो मैं जीत के आऊंगा या फिर मैं तिरंगे में आऊंगा। उनकी ये बात आज तक हमें याद है और हमारे लिए ही नहीं, हमारे पूरे स्कूल के लिए और एंटायर विलेज, एंटायर इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो हमारी रक्षा के अंदर उसने अपनी जान गंवाई। ये तमाम उसके शिक्षिका हैं जिन उन्हें जो पढ़ाया, वो शिक्षिका, वो बच्चे जब भी वो आता था मिलता था उन्हें एक नसीहत देता था कि कुछ भी करना है तो देश के लिए करो।